नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड किस तरह की खिचड़ी पका रही है ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जहां एक तरफ एनडीए में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी संबंधों को लेकर के नीतीश कुमार अपनी बातें रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई समस्या या परेशानी नहीं है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह की बातें हुई उसके बाद से, मुकेश सहनी से उनकी दिल्ली में मुलाकात और उसके बाद मुकेश सहनी का एग्रेसिव होना बहुत कुछ बयां करता है। नमस्कार, आपका भोरे भोर है और आज भोरे भोर में हम जो बातें आपके सामने लेकर के आए हैं वो बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं इंगित कर रही है, इशारा कर रही है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा के बाद सब कुछ ठीक ठाक नहीं नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज जनता दरबार में होंगे और जनता दरबार में जनता के कई विभागों के जो शिकायतें हैं वो सुनेंगे और उसका निपटारा भी करेंगे। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान जो जो बातें हुई हैं वो सारी बातें अब जनता के जेहन के साथ साथ कई कहा जा रहा है कि कई लोगों के जेहन में है, राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चाएँ हो रही हैं और लगातार इन बातों को लेकर के जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं वो कोई ना कोई नई योजना रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव हैं और उनके एग्रेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे वाक्यात में जो चीज़ें नज़र आईं और साफ नज़र आ रहा है उसमें एक ही बात स्पष्ट हो रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा करें लेकिन मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी सभी के अलग अलग मत हैं और सभी अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि बिना उनके कोई भी सरकार नहीं बन सकती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये बातें पहले से भी कही जा रही हैं कि मुकेश सहनी जितना मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हाल फिलहाल में जिस तरह से उन्होंने नए नए तरीके अपनाए हैं अपने समाज के लोगों को एकजुट करने का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुकेश सहनी लगातार अपने समाज के लोगों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और उस आरक्षण को लेकर के भी वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में हुई बातचीत के बाद से खुलासा तो नहीं हो पाया है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इन सारी बातों के बीच में जिस तरह से मुकेश सहनी और ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं उसे देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है और कोई ना कोई ऐसी बात दिल्ली में ज़रूर हुई है नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के बीच में जिसको लेकर के मुकेश सहनी एग्रेसिव हुए हैं। हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि भारत लाइव से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने अपनी बातों को रखा था, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो जिस तरह से अपनी चीज़ें रख रहे हैं वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब पूरी तरह से तैयारी में हैं और इस तैयारी का असर बिहार पर भी देखने को मिलेगा। हमने आपको खबरों में बताया था कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में और अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहाँ काफ़ी संख्या में उनको समर्थन भी मिल रहा है। हमने आपको बताया था कि फतेहपुर जनपद के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी के प्रत्याशी संतोष सहनी को समर्थन देने के लिए उन्होंने रोड शो किया था और इसके लिए ज़बरदस्त उन्होंने तैयारियाँ भी की थी। तीसरे चरण के चुनाव मतदान के बाद आपको बता दें कि अब ये कयास लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसकी सरकार बनेगी और कौन अपर हैंड में है। लेकिन इन सारी बातों के बीच जिस तरह से मुकेश सहनी अपने उम्मीदवारों को लेकर के और अपने खास करके समाज को लेकर के एग्रेसिव हैं उसे देख करके लग रहा है कि मुकेश सहनी किसी अंतिम फैसले की तरफ पहुँचने के लिए तैयार हैं। पटना से होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की यात्रा में मुकेश सहनी को अब तो नीतीश कुमार का भी साथ मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 के चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में अपना शरण लिया था और शरण ही नहीं लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें आलिंगन किया था और उन्हें सम्मान के साथ 11 सीटें दी थी जिसमें से 4 सीटें जीत करके वो सरकार का अहम हिस्सा है।
हालांकि उनके एक विधायक का असामयिक निधन हो गया है, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही थी। और मुकेश सहनी का सीधा कहना था कि वो उस सीट पर अगर उनके साथ एनडीए में किसी तरह का घालमेल होता है तो वो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार एनडीए होगा, अगर सरकार गिरती है तो उसका भी जिम्मेवार एनडीए होगा। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के बीच हुई बातचीत को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जिस तरह से एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं मुकेश सहनी, वो बातें भी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ न कुछ है जिसको लेकर के दोनों के बीच में कोई कॉन्क्रीट डिसीजन हुआ है और इस पर अमल करने की तैयारियां भी हैं। आपको बता दें कि इसके ठीक पहले मुकेश सहनी ने 24 सीटों पर एमएलसी के जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं उसको लेकर के भी अपनी नाराज़गी जाहिर की थी कि आखिर एनडीए जब एकजुट है और एनडीए के दो बड़े घटक दल बैठ करके अपने फैसले कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं। इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी ने भी बहुत सारी बातें कही थी। और जिस तरह से ज़बरदस्त ढंग से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया है मुकेश सहनी ने, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुकेश सहनी में दम तो है, हिम्मत तो है। जिस तरह से वो बिल्कुल नई पार्टी हैं और पिछले 4-5 सालों से वो राजनीति में सक्रिय रूप से चुनावी राजनीति का हिस्सा बने हैं, उसके बाद से जिस तरह से वो लगातार चुनाव में अपने प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से वो रणनीति दिखा रहे हैं उससे साफ लगता है कि लंबी रेस के घोड़ा है और नीतीश कुमार लंबी रेस के घोड़ा पर अपना दाव लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। हाल फिलहाल में ही प्रयागराज जनपद में विधानसभा क्षेत्र को संबोधित करते हुए अपने उम्मीदवार दयाशंकर बिंद के समर्थन में उन्होंने जो रैली की और जिस तरह से जनता को उन्होंने बातचीत किया उससे साफ लगता है कि मुकेश सहनी एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बदली हुई परिस्थिति में बिहार में बहुत सारे कयास और प्रयास हो रहे हैं। आपको बता दें कि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली से नीतीश कुमार के संदेश के बाद पटना में जनता दल यूनाइटेड के तरफ से लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया और इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जाने लगा कि 2024 की तैयारियां चल रही हैं, 2025 की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जिस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में अपने आप को तैयार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से पूरी जो रणनीति है वो बना चुके हैं। उनका दिल्ली में प्रशांत किशोर से मुलाकात करना, उसके बाद उनका जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को अपने खेमे में कर लेना, इसके अलावे आरसीपी सिंह और ललन सिंह के झमेले को दूर करने का कोशिश करना, इन सारी बातों में कहीं ना कहीं एक बात तो नज़र आ रही है कि जो बातें लगातार कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है राजनीतिक माहौल, बिहार में भी उसके असर पड़ेंगे। हालांकि बिहार में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बिहार में कोई चुनाव नहीं है, 5 राज्यों में चुनाव होने से बिहार पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से कही जा रही है कि जिस तरह से बिहार के इर्द गिर्द के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बेदखल होना बहुत कुछ कह रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में वापसी करने का जो बात है उसको लेकर के संशय बनी हुई है। शायद नीतीश कुमार का इनपुट भी यही बता रहा है। और जिस तरह से मुकेश सहनी एग्रेसिव हैं, नीतीश कुमार भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन इतना एग्रेशन आपने नहीं देखा होगा। और जिस तरह से जो आंकड़े बता रहे हैं 3 चरण के चुनाव के बाद जनता भी चुपचाप है, उसमें मुकेश सहनी की भूमिका बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि मुकेश सहनी कुछ सीटें जीत करके आ जाएं तो बनने वाली सरकार में, जैसा कि वो दावा भी करते हैं कि उनका अहम किरदार अहम रोल होगा। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार पर सभी का फोकस है और ख़ास करके ये फोकस जो है नीतीश कुमार के आज के होने वाले प्रेस वार्ता पर भी टिकी हुई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जनता दरबार में जनता की समस्या सुनेंगे, वहीं नीतीश कुमार के सामने आज कई विभाग होंगे और कई विभाग के जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। इन सारी बातों के बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौट करके आए हैं उसके बाद मीडिया का और बिहार की राजनीति में लोगों का ये मानना है कि नीतीश कुमार क्या कुछ कहेंगे। क्या नीतीश कुमार दिल्ली में जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार कह रहे थे कि वो 2024 के लिए नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़े विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्या मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और
ये जो अन्य लोगों का एक नेक्सस बन रहा है, उस नेक्सस में कांग्रेस का भी आपने एग्रेशन देखा होगा, तो क्या प्रशांत किशोर इन सारे लोगों को लेकर के और एक रणनीति के तहत, चूँकि प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी से बातचीत हुई थी और कहा यह जा रहा है कि आज से कल तक नीतीश कुमार की मुलाकात जीतन राम मांझी के साथ भी होगी, तो इसका मतलब, इसके मायने क्या हो सकते हैं? आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। आज कई ऐसी घटनाएं हैं जो बिहार में होने वाली हैं, खास करके लालू प्रसाद को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आने वाली हैं। उन्हें आज सज़ा मुकर्रर की जानी है, कितने दिनों की सज़ा होती है, लालू प्रसाद को जेल होता है या बेल, इस पर भी सबकी निगाह टिकी हुई होगी। हमारी पूरी नज़र भारत लाइव की बनी हुई है छोटी बड़ी घटनाओं पर। आप भारत लाइव पर नज़र बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।